हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटरक्रॉस्ट। दोस्तों, देश में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ रही है, उसे देखते हुए वाहन निर्माता कंपनी भी नई नई बाइक्स और कार का निर्माण करते जा रहे हैं। दोस्तों, कंपटीशन के चलते इसकी कीमतें भी धीरे धीरे आपको कम ही देखने को मिल रही हैं। अब एक और वाहन निर्माता कंपनी भी अपनी एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, कंपनी है MG। MG का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, MG कॉमेट EV। दोस्तों, इसकी कीमत 10 लाख रुपए से कम हो सकती है। एक बार फुल चार्ज करने पर यह 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज आपको दे सकती है। MG कॉमेट EV के फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा दमदार देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, 10 लाख रुपए में 300 किलोमीटर की रेंज देने वाली MG कॉमेट ग्लोबल मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। इसे वूलिंग एयर नाम से पेश किया गया था। कंपनी की माने तो भारतीय बाजार में लॉन्चिंग से पहले इसमें कई बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, यह भारत की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार भी हो सकती है। दोस्तों, असल में भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में MG कॉमेट 10 लाख रुपए से कम की कीमत में अगर लॉन्च हो जाती है तो ये ग्राहकों को एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हाल ही में MG कंपनी की तरफ से अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई थी। इसके मुताबिक बाहर की तरफ MG की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और मोटर के बारे में। दोस्तों, MG कॉमेट EV की बैटरी क्षमता 20 से 25 किलोवाट आर की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें 68 BHP पावर जनरेट करने वाला सिंगल फ्रंट एक्सल मोटर दिया है। वहीं अगर लुक और डिज़ाइन पर नज़र डालें तो यह किसी भी हैचबैक कार से कम नहीं लगती। इसके 3 दरवाजे हैं और इसकी लंबाई करीब 2.9 मीटर है, यानी कि यह 3 मीटर के अंदर ही आने वाली है। दोस्तों, इसमें 4 सीटें हैं, 4 लोग आराम से बैठ के सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देखना यह है कि कब तक यह गाड़ी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, 10 लाख रुपए से कम के बजट में आपको यह इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।